आश्चर्य है, सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं किंतु मैं इस अग्नि स्तंभ के ऊपरी छोर को ढूंढ पाने में असफल हूं। न जाने क्या रहस्य छुपा है इस अग्नि स्तंभ में, मुझे इसका निचला छोर क्यों नहीं मिल रहा। फिर एक समय के पश्चात नारायण स्वयं ही उस स्थान पर प्रकट हो गए थे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। हे प्रभु, मैं आपकी लीला समझ चुका हूं, कृपया दर्शन दीजिए। अब तो कदाचित आप भी यही मानेंगे कि इस अग्निस्तंभ का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। नहीं नारायण, भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगा जबकि मैं इस अग्निस्तंभ के ऊपरी छोर को पा चुका हूं। असंभव, यह आपने कैसे किया ब्रह्मदेव? असत्य ब्रह्मदेव, अपने शब्द वापस लें, यूं असत्य ना बोलें। मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, उस झूठी गरिमा और आडंबर के लिए जो आपने अपने मन में बसा रखा है, और इसी अहंकार में आपका पांचवा शीश उस सत्य को नहीं देख पा रहा है। ब्रह्मदेव, मान लीजिए कि आप असत्य बोल रहे हैं। अब आपको मेरे पांचवें शीश से भी ईर्ष्या हो रही है। आप कौन हैं जो हम दोनों के मध्य इस प्रकार बिन बुलाए चले आए? ना आपका कोई आकार दिख रहा है ना प्रकार। जाइए, चले जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है पाखंडी। विजय मेरी हुई है, मेरी। ब्रह्मदेव, आपने न केवल असत्य कहा अपितु इस अग्निलिंग का अपमान भी किया है। वो अग्निलिंग जिसका ना कोई आदि है ना अंत, इसलिए अब दंड के लिए तत्पर हो जाइए। महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा महादेव। परशुराम कहाँ है स्वामी? समुद्र के गर्भ में। किंतु क्यों प्रभु? ताकि उनके आवेश से सृष्टि का विनाश ना हो जाए देवी। तो इसका समाधान क्या है स्वामी? क्या परशुराम कभी भी समुद्र से बाहर नहीं आएंगे? इसका समाधान है देवी, इसके लिए हमें ऋषि जमदग्नि के आश्रम जाना होगा। निरंजन, प्रभु की माया, कभी धूप तो कभी छाया। इस जमदग्नि के आश्रम में आपका स्वागत है। अंदर आए, आसन ग्रहण करें। आप विराजिए, मैं अभी भोजन का प्रबंध करती हूँ। जब माता पिता का मन अपने पुत्र को लेकर अशांत हुआ तो ऐसे में भला हम क्या विराजे और क्या भोजन करें? हमने अपने अनुज को बहुत ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं मिले। हम आपकी इस चिंता को दूर कर सकते हैं। बस हमें कामधेनु गांव सौंप दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, असंभव है। हम अपनी कामधेनु गौ माता को किसी को नहीं सौंप सकते। क्षमा कीजिए, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। आश्चर्य, इस प्रकार गौ माता किसी के पास नहीं जाती है। आप अवश्य ही कोई देव अथवा देव पुरुष है जो हमारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आए। हमारा पुत्र कहाँ है देव? धैर्य रखिए, हम शीघ्र ही परशुराम को लेकर लौटेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। किंतु पिताश्री, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि भला माता कामधेनु के इनके साथ जाने से हमारे अनुज परशुराम कैसे लौटेंगे। परशुराम, ये तो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य स्वयं महादेव है। बाहर आओ वत्स। कल्याण भवा। परशुराम, वहां आश्रम में तुम्हारे माता पिता चिंतित हैं और तुम यहाँ समुद्र तल में स्थित होकर बैठे हो। हाँ? किंतु प्रभु, यदि मैं बाहर आया तो इससे सृष्टि को ही नाश हो जाएगा। इसीलिए कृपया मुझे मेरा आवेश समाप्त होने तक समुद्र के भीतर ही स्थित रहने दीजिए। किंतु अब तुम्हें समुद्र के भीतर स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है वत्स। अब उस समस्या के समाधान हेतु देखो मैं किसे साथ लेकर आया हूं। प्रणाम माता कामधेनु। प्रणाम प्रभु। कल्याण भवा। प्रणाम देवी। परशुराम, आसन ग्रहण करो। अब तुम्हारा आवेश माता कामधेनु के दुख से शांत हो चुका है वत्स। धन्यवाद माता कामधेनु। परशुराम, अब तुम कामधेनु के साथ आश्रम लौट सकते हो। जी माता। क्या सोचने लगे परशुराम? कि जिस माता कामधेनु के कारण मेरा आवेश शांत हो गया, वो माता कामधेनु है कौन? अर्थात तुम माता कामधेनु के प्रकट होने की कथा जानना चाहते हो? यदि महादेव की इच्छा हो तो महादेव मुझे कामधेनु माता के बारे में बताएं मुझे कि जिन माता कामधेनु की चर्चा 14 भुवनों और 3 लोकों में है, उनकी कथा क्या है? इनकी कथा अत्यंत निराली और अद्भुत है परशुराम। हाँ, क्योंकि इनकी उत्पत्ति के पीछे एक श्राप ही कारण था। श्राप? कैसा श्राप प्रभु? वो श्राप जो ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिया था। ये उस समय की बात है जब देवता अमर नहीं थे, इसलिए बलशाही असुर सदा ही देवताओं को पराजित कर देते थे। लो, आज फिर पराजित हो गए तुम सब देवता। प्रतीत होता है तुम सब देव हम असुरों से पराजित होने के लिए ही पड़े हुए हो। देवताओं के इस दशा को सुधारने के लिए देवर्षि दुर्वासा एक एकांत स्थान पर हवन कर रहे थे, जिसका उद्देश्य था एक सिद्ध शक्ति प्राप्त करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंततः मुझे इस यज्ञ का फल मिल ही गया। मैंने वो दिव्य पारिजात की माला प्राप्त की है जिसके धारण करने से बल, बुद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। मैं ये दिव्य माला देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा, जिसके पश्चात वह असुरों से कभी पराजित नहीं होंगे। अच्छा हुआ दुर्वासा ऋषि ने हमें देखा नहीं, देखते तो क्या हो जाता, हम दोनों को श्राप दे देते। ऋषियों में एक यही तो है जिनके श्राप से देवता भी कांपते हैं। अच्छा, किंतु प्रतीत होता है हमारे कांपने का समय शुरू हो गया है। वो कैसे? तुमने देखा नहीं क्या? उन्होंने हम असुरों को पराजित करने के लिए दिव्य शक्ति अर्जित की है, उससे ही देने वो इंद्र के पास जा रहे हैं। चलो ये बात हम असुर राज को बताते हैं। अपनी गति और बढ़ाओ ऐरावत। आज हम कई दिवस पश्चात धरती लोक के आनंद वन में जाकर अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। अब गति तो थोड़ी और तीव्र करो। ये तो देवराज इंद्र के गजराज ऐरावत का स्वर है। इसका अर्थ है कि इंद्र धरती लोक पर ही आ रहे हैं। ये तो ऋषिवर दुर्वासा है। अकस्मात मेरे मार्ग में कैसे? देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिवर। कल्याण भव। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए देवराज, अन्यथा हमें इंद्रलोक आना पड़ता है। इंद्रलोक? क्यों ऋषिवर? चिंतित मत हो शचीपति, हम तो तुम्हें ये बहुमूल्य उपहार देना चाह रहे थे। ये पारिजात की बहुमूल्य माला। ओह अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं। गजराज, ये माला देवराज इंद्र के गले में पहना दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। मैं तनिक शीघ्रता में हूँ, चलता हूँ। प्रणाम। कल्याण भाव। ऐरावत चलो। अरे शीघ्रता में मैं देवराज इंद्र को उस माला की दिव्यता और अपार शक्ति के बारे में बताना तो भूल ही गया। इसे तुम ही पहन लो ऐरावत। वैसे भी इससे अधिक सुंदर और सुगंधित मालाएं अप्सराओं के हाथों में मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ओ, लगता है तुम्हें भी ये माला नहीं, अप्सराओं के हाथों की माला चाहिए, हाँ? मेरा ये अपमान! तुमने मेरी घोर साधना का अनादर किया है देवराज। तुम्हें अपने सिंहासन और इंद्रलोक के ऐश्वर्य पर बहुत घमंड है ना? तो जाओ, मैं तुम्हें समस्त देवों समेत स्वर्गलोक से बलहीन और श्रीहीन हो जाने का श्राप देता हूँ। ये मैंने क्या किया? एक क्षण में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं स्वर्गलोक का राजा नहीं, एक धरतीलोक का एक साधारण मनुष्य बनकर रह गया हूं। ख्यात नहीं दूसरे देवताओं के साथ क्या हुआ होगा। देवराज इंद्र, देवराज, देवराज इंद्र। ये सब अकस्मात कैसे हुआ देवराज इंद्र? ऋषि दुर्वासा के भीषण श्राप के कारण। क्या श्राप? वो भी ऋषि दुर्वासा का? किंतु भूल मेरी ही थी। आपकी? परंतु अब इसका निदान क्या है? यदि असुरों को हमारी इस स्थिति के बारे में ज्ञात हुआ तो वो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं देवराज। हाँ राहु जी, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो दिव्य शक्ति पाकर देवता हम असुरों से और अधिक बलशाली हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दिव्य शक्ति अब देवताओं के लिए वरदान नहीं अपितु अभिशाप बन चुकी है। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। असुरों की सदा ही जय हो। ऐसा क्या हो गया गुरुवर? ज्ञात हुआ है कि उस दिव्य पारिजात माला का अपमान करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त देवताओं और स्वर्गलोक को श्रीहीन और ऐश्वर्यहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप देवता दुर्बल और ऐश्वर्यहीन हो चुके हैं। तो फिर यही सही अवसर है असुरगुरु, हम देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं मैं भी कुछ ऐसा ही विचार कर रहा हूँ राहु। यह अच्छा अवसर है, इससे पहले कि देवता अपने इस दुख और पीड़ा से निकलने का मार्ग ढूंढ लें, हमें इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। देवताओं की ऐसी दुर्दशा का समाधान क्या था प्रभु? क्योंकि असुर वो तो किसी भी समय देवताओं पर आक्रमण कर सकते थे। इसी समस्या के निदान हेतु सभी देवता सबसे पूर्व ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव उन्हें लेकर श्री हरिनारायण के समक्ष प्रस्तुत हो गए।